जहाँ तक इंडस्ट्री का ये रिलेशन का क्लाइंट और डिस्ट्रीब्यूटर का सवाल है, इसमें अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें दोनों एक्सपेक्टेड हैं। कंपटीशन बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है, आने वाले टाइम में बहुत ह्यूज जाइंट्स की एंट्री इसमें होने वाली है। पेटीएम ऑन कार्ड है, रिलायंस मनी, जियो भी आ सकता है। एट दी सेम साइज टाइम पे जो म्यूचुअल फंड का साइज़ है, जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हैं और इसकी पेनिट्रेशन है, जो आपका AUM है, ये भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जागरूकता बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। सेबी खुद रेगुलेटर इसको बढ़ाने में लगा हुआ है। सबसे अच्छी बात है कि रेगुलेटर इसमें बिल्कुल सपोर्ट देके इसको सेगमेंट को बढ़ा रहा है। इसकी जागरूकता अवेयरनेस बढ़ रही है। हम स्टॉक एक्सचेंजेस से इसको बढ़ाने में कंटिन्यू लगे हुए हैं। तो इन्वेस्टर बढ़ेगा इसमें कोई डाउट नहीं, निवेश बढ़ेगा इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि और कोई इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है नहीं। वैसे तो वो चोपड़ा जी का सब्जेक्ट है, वो फाइनेंशियल प्लानिंग बेटर बता सकते हैं, लेकिन एक जनरल सिनेरियो जो गोल्ड का है, रियल स्टेट का, इंटरेस्ट रेट का, वो हम सब जानते हैं कि आने वाले 5-7-10 साल में कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि और कोई इन्वेस्टमेंट एवेन्यू निकलने वाला है। और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में स्पेकुलेशन का जो एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा पीछे फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का चला हुआ था, उसको भी सेबी आपको पता है कि फेस्ड मैनर में कंट्रोल कर रही है। सेबी के जो पिछले 6-8 महीने के मूव्स हैं, वो सारे थोड़े धीरे धीरे स्पेकुलेशन को करप करके टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म रियल इन्वेस्टमेंट की तरफ जाने के हैं। तो इन्वेस्टमेंट तो आनी है, इसमें कोई दो राय नहीं, इन्वेस्टर भी बढ़ना है। अब वो मेरे क्लाइंट मेरे से रहे और मेरे साथ ही आगे बढ़े, मैं भी बढ़ूँ, उसको बढ़ाने के लिए जो सर ने बोला, मुनीश जी ने, कि आपको चोपड़ा साहब ने भी बताया कि ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा, आपको थोड़ी अपने स्किल एनहांसमेंट करनी पड़ेगी, नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा कि क्लाइंट को सही दिशा में जा सके। मार्केट आगे जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, बट लॉन्ग टर्म इंडिया का जो इंडिया ग्रोथ स्टोरी है वो इंटैक्ट है, स्ट्रांगली इंटैक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अनटिल अनलेस कुछ ज़बरदस्त कोई न्यूक्लियर वॉर या कोई ऐसी चीज़ वर्ल्ड में ना हो जाए, तो ऐसी कोई इंडिया में कोई ऐसी कोई संभावना नहीं नज़र आ रही, कोई इकोनॉमी डीरेल हो रही है। और आगे जो रोबस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म गवर्नमेंट ने किए जो एक्सपेक्टेड हैं, तो और अच्छा जाएगा। लेकिन आपको अपने को स्किल इन्हांस करने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा, जितनी जल्दी जाएंगे आपका टाइम बचेगा, कॉस्ट बचेगी, आप मोर एफिशिएंटली अपनी सेल्स पे काम पे फोकस कर पाएंगे।